please grace this wonderful occasion, the All India Anti-Terrorist Front Chairman, M.S. Bitta ji ke liye. Everybody, Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Bitta ji, मतलब लोग किन-किन चीजों से डरते हैं आजकल लोगों को शायद देशभक्त से भक्ति से भी थोड़ी सी डर लग रही है आप कैसे एक बॉम्ब से नहीं डर सकते सर सच बताइए आज तो पता लगाना पड़ेगा आप ये नहीं कह सकते कि मैं डरता नहीं हूँ मौत मेरी दोस्त है और बम गोलियां जब मेरे शरीर पे चलते थे या चलते हैं या चलेंगे तो वो मुझे फूलों की तरह लगते थे मेरे दर्दें भी होती हैं मेरे बॉडी में शरीर के आधे हिस्से में लोहा है वो मुझे फूलों की तरह लगती क्योंकि मेरा एक कर्तव्य है कुर्बानी नहीं मेरा एक कर्तव्य है मैं उस कर्तव्य को पूरा करता हूँ वही सरूर वही नशा मुझे टेररिज्म के खिलाफ राष्ट्र के लिए आगे ले जाता है मैं डरता हूँ बम्बों गोलियों और मौत से बिल्कुल नहीं डरता हूँ मौत मेरी दोस्त है मैं डरता हूँ आज जो हिंदुस्तान का राजनीतिक सिस्टम जो बचपन से देखा है मैं डरता हूँ तो पॉलिटिकल टेररिज्म से डरता हूँ कि वो उससे भी खतरनाक होता है जिसको अभी तक ना मीडिया समझ पाई ना पब्लिक समझ पाई कि पॉलिटिकल टेररिज्म क्या होता है बम गोलियों से जो जाता है वो शहीद कहलाता है अगर मेरे ऊपर बम गोलियाँ चले मैं नहीं कहता लोग कहते मैं जिंदा शहीद हूँ पर मैं पॉलिटिकल टेररिज्म से जब मारा जाता हूँ फिर मैं समझता हूँ कि जानवर की मौत और इंसान की मौत में फर्क नहीं होता इतनी घटिया किस्म की मौत होती है तो सुबह उठ के भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ मुझे मौत कभी भी देना बम्बों गोलियों से देना राजनीतिक आतंकवाद से ना देना मुझे मौत राष्ट्र के लिए देना यही मेरी हमेशा इस बोनस की जिंदगी जिंदगी मेरी बोनस है हम कहें जिंदगी बहुत लंबी लंबी नहीं जिंदगी बोनस है तो बोनस की जिंदगी में मेरा जितना भी मिशन है राष्ट्र के लिए है कई लोग हमारे जवान मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए मौत का कफन पहन करके वर्दी पहन करके जाते हैं हमें ये नई जनरेशन को बताना है जरूरी नहीं कि आप फौज की वर्दी पहनो नहीं पहन सकते तो मेरी तरह उस वर्दी के बगैर भी आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हो पंजाब में जब टेररिज्म था क्या आपने कभी सोचा था कि वहाँ सब कुछ समाप्त हो जाएगा लगता था कि पंजाब का हिस्सा हिंदुस्तान से टूट करके पाकिस्तान में चले जाएगा पर आप लोगों की मीडिया के सहयोग से मौत का कफन बांध करके मैंने अकेले नहीं हमारे दोस्त भी थे और भी कई लोग थे पॉलिटिकल पार्टियां थी जब हमने संकल्प ले लिया कि राष्ट्र को बचाना है पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है पंजाब को टूटने नहीं देना है तो पंजाब बचा तो उसका हमें गर्व है सॉरी आई एम गोना टेक द लिबर्टी आरजे हूँ आदत से मजबूर मैंने सुना 15 साल की उम्र से आप रिस्क ले रहे हैं आज मुझे पता चला एक हिंदुस्तान का झंडा गाड़ने के लिए आपने आपकी फैमिली की आपके खुद की जान की परवाह नहीं की और आज भी वो पैशन आपके दिल में कैसे धड़कता है 7 साल की उम्र में जब मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ एक जलियांवाला बाग एक तरफ हरमंदिर साहब वो सैर करने के लिए जाते थे बुजुर्ग थे मुझे ले जाते छोटा बच्चा था कई महीने जाता रहा एक बार मैं उनको ले गया ये निशान किस चीज के हैं उन्होंने कहा ये जनरल डायर के गोलियों के निशान है कौन जनरल डायर जिसने देश को आजादी मांगने वाले के ऊपर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ऊपर गोलियां चलाई थी मुझे उन्होंने एक शहीद आजम भगत सिंह जी की किताब और एक जलियांवाला बाग की किताब ला के दी मैंने उसको पढ़ा और एक महीने बाद अपने ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ करके मैं वहां उस लाल खून की मिट्टी पे शपथ ली आजादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने लेके दे दी कभी जिंदगी में मेरा इम्तिहान का वक्त आया हम इनकी आजादी की रक्षा करेंगे थोड़े बड़े हुए 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन मनाने का फैसला किया एक ऐसा 15 अगस्त का जब दिन आया आजादी का दिन तिरंगा झंडा लहराने का तो हरमंदर साहब वो पवित्र जगह जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर दुनिया का हर कौम हर मजहब का व्यक्ति नमस्तक करता है जब उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश की और जब वहां से नारा चला कि खालिस्तान बनाएंगे हमने मौत का कफन बांधा हमने कहा नहीं खालिस्तान नहीं बनने देंगे 15 अगस्त का दिन इम्तिहान का वक्त आया तो अंदर से चैलेंज आया अगर MS बिट्टा तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों गोलियों से उड़ा देंगे
हमने कहा आज इम्तिहान का वक्त है, वो जलियांवाला बाग में हमने शपथ ली थी। सुबह 5 बजे बम फेंका जाता है, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे की रक्षा न कर सकें, आज़ादी की रक्षा न कर सकें। पर 12 बजे हमने वो तिरंगा झंडा जब लहराया तो आतंकवादियों ने फिर चैलेंज किया, तिरंगे झंडे को उतार के आग लगाएंगे। हम शाम के 5 बजे तक, जब तक सूरज डूबा नहीं, पहरा देते रहे, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते रहे। 5 बजे सूरज डूबा, हमने तिरंगे झंडे को सीने पे लगाया और वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए, और बम्बों गोलियों का जवाब, इतनी शक्ति ताकत थी उस वंदे मातरम और भारत माता की और तिरंगे झंडे में, दिल से प्यार किया और बम्बों गोलियों का मुकाबला हमने वंदे मातरम बोलते हुए दिया। वो पहला बम ब्लास्ट, जब कभी मीडिया पूछता है इतने बम ब्लास्ट हुए, इतने गोलियां चले, तो मैं फख्र से कहता हूँ पहला बम आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए हुआ, ये मुझे फख्र है। एक्चुअली क्या बिट्टा जी, बहुत सवाल मन में उठ रहे हैं लेकिन फिलहाल आंसू आ रहे हैं आंखों में, तो आई एम गोइंग टू शिफ्ट द फोकस राइट नाउ। आई वांट टू थैंक द जेंटलमैन हु हैज टेकन दिस भार ऑफ रीचिंग दिस मैन स्टोरी, एंड दैट इज शिवशी सरकार। प्लीज कम अप ऑन स्टेज एंड टेल अस रिलायंस की तरफ से कैसे एक ऐसी कहानी जो सुन के ऐसे मतलब हम कांप रहे हैं सर, फॉर यू टू वॉन्ट टू टेक इट टू एवरी होम एंड एवरी कॉर्नर ऑफ cinema halls to people. So no, I think it will be a little wrong to claim that we have got into the journey first. It's a journey which Priya and Shailendra Singh has taken the journey. And for us, honestly, this opportunity came probably a few months back as a part of the discussion. So let me say a little bit of what is our journey. We are not, let me be very clear about it, that we have not dealt a life, or we are not dealing a life, what Bitta ji has dealt. We are a company who make films, and we want to make films, and we are a business company, we want to make money out of making films. That's the honest situation. But when some stories come, and when you figure out that if you can be a part of this story, you can inspire people, to take, to do larger things than life, in whichever spheres of journey they are, you become greedy, you don't want to leave the stories. So we are a very small part in this whole journey, but I entered this journey as being greedy, that this story, in jodi ka saath hum log ko jodna chahiye. It's a some amount of coincidence that in last 1 year or in last few, a couple of years time, we have been successful in telling a lot of interesting biopics. Few months back, we told a biopic of Super 30 of Anand sir's journey. We did a film called Saan Ki Aankh of Tomar Dadi's journey. In 83 World Cup, we'll tell another interesting biopic. It's not a biopic, but a moment. But jo jindagi Bitta sahab have seen and dealing and etc., we are very small in that, in front of all those spheres. We have just become associated in a journey. If we can participate in this journey and can do a half a good job of whatever he has dealt, I think we'll be all successful. सरकार जी, आप ट्विटर पे कम गोली नहीं मारते हैं, आपके खुद के थॉट्स के काफ़ी हैं, प्लीज़ फॉलो हिम देयर, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई वांट टू गो ऑन टू द जेंटलमैन हु हैज गिवन अस एंटरटेनमेंट पार एक्सलेंस, थैंक्स टू हिम आई गॉट टू सी ग्रीस फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, एक्चुअली होस्टेड अ शो देयर, थैंक आई हैव सो मच टू थैंक यू फॉर, बट दिस कंट्री हैज सो मच टू थैंक यू फॉर, एंड दैट्स सेइंग द ट्रूथ। राइटिंग अ बुक इज नॉट अ जोक, स्पेशली व्हेन यू बिलोंग टू एन एंटरटेनमेंट मीडिया व्हिच इज got so much happening at one time, and he has reinvented the wheel every year in the last 23 years of his career. I think it was a time of startups, you started it all up, yeah? Shailendra Singh, please come up on stage, kyunki aapne jitni filmein produce ki hain, khud direct kar rahe hain ab, mujhe se lagta hai passion has a name in your name. Thank you so much for taking up this. Bitta ji, वैसे आपको जरूरत किसी चीज की नहीं, पर आप बैठ जाइए, बिकॉज मैं जा नहीं, आप इतने शाही लगते हैं ना कि सही नहीं लग रहा है, आप बैठ जाइए। कैन वी प्लीज गेट हिम अ चेयर एंड गेट हिम टू सिट, यू श्योर सर? बिकॉज़ ही रोल भी है, कंधे हैं ना सभी, सर हमारे कंधे हैं यहीं पे, आई एम द थर्ड वन कमिंग अप, गो फॉर इट। हाउ डज इट फील टू बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ मैन हु इंस्पायर्स यू जस्ट एज मच एज यू इंस्पायर? आई थिंक टू पुट इन पर्सपेक्टिव, की शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थैंकफुल टू रिलायंस एंड सभीशीष एंड हिज टीम, की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन उनको सच में बाहर निकालना, आई मीन हैट्स ऑफ टू सभीशीष एंड हिज टीम टू टेल द स्टोरीज दैट दे आर टेलिंग। आई मीन वी ऑल हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री,
बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जैसे सविशिष ने कहा था कि कहानियां तो हर नुक्कड़ पे हैं, हर गांव में हैं, हर शहर में हैं, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ टीम एफर्ट टू पुट द स्टोरी आउट. सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड सविशिष एंड हिज टीम कि ये मौका मिला. अब एक शॉर्ट पॉइंट है क्योंकि आफ्टर तो आपने तो सर थोड़ा वो मेलोड्रामा हो गया पूरा. हाँ, जैसे मिट्टा साहब ने बात की, एक ही बात मुझे कहनी है कि ऑफ कोर्स इट्स अ कंपेलिंग स्टोरी और बस एक ही दरखास्त है पूरी इंडस्ट्री से, मीडिया से, कि हम जुड़ के ऐसे कहानियाँ बोलें क्योंकि हमारे पास सबसे यंग आबादी है पूरी धरती पे. वी आर 600 मिलियन बिलो द एज ऑफ 25 और एक यंगस्टर सिर्फ एक चीज़ समझता है, वो है इंडिया, अपना देश. तो हम सब बाहर से अलग हैं, सब बाहर से अलग हैं, कोई गुजराती, कोई महाराष्ट्रन, कोई राजस्थानी, कोई क्रिश्चियन, लेकिन हम सब अंदर से एक ही हैं और एक ही आवाज़ अंदर से उठती है, वो है इंडिया, वो है हिंदुस्तान, हमारा देश, मज़हब से पहले हमारा देश है. और वो बिट्टा जी की कहानी तो बाप रे बाप नेक्स्ट लेवल की है. हम सिर्फ बात करते हैं, इनने तो करके दिखा दिया. सो आई एम रियली प्राउड टू बी एसोसिएटेड एंड आई एम हैप्पी टू बी ऑन द स्टेज एट दिस मोमेंट एंड थैंक यू फॉर योर फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन. नो शैलेंद्र, यू हैव ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री. आई डोंट नो फॉर योर ट्रैवलिंग इंटरेस्ट और जेन्युइनली टू मेक दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यूनिटी, बट आई वांट टू आस्क यू फॉर श्योर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर getting into this venture, the most challenging ek cheez kya hai? No, I think it's nothing to do with me, to be honest. I think Priya, she's here, she'll be joining us shortly. I'm gonna call him. She's the climax. Priya is the one who opened my eyes to the story of Bittaji, and from the day she opened it, it just didn't open my eyes, it opened my heart and mind. And I truly believe ki hamara ye sirf ek project, ye ek film nahi hai, ye hamara kartavya hai ki kahani har hindustani dekhe, aur na hi dekhe magar inspire hue. मुझे लगता है कि हर चीज़ से पहले प्राइड है. अगर आपको हिंदुस्तानी होने पे गर्व नहीं है तो आपका कोई बनता ही नहीं हिंदुस्तानी होने का. तो आई थिंक ये हम हर चीज़ में ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं ना, इससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हिंदुस्तान को कहाँ मिलेगा. तो वी आर रियली फॉर्चुनेट टू टेल दिस स्टोरी एंड मेक इट एक्साइटिंग फॉर 130 crore इंडियंस ऑन द प्लैनेट. For the man who gave us Sunburn, Aishwarya Rai Bachchan and many more things, lovely videos, movies, Shailendra Singh there, but the lady in command gave entertainment in papers every day for 25 years. She made Bombay Times and she brought entertainment to us like nobody else did. Gave me some of my most prized memories with Lal Bagh Saraja. Priya Gupta, please come up on stage for not just being the producer, but somewhere a storyteller par excellence, because I follow you so closely on Twitter. She's telling a story every day too. Thank you very Priya, much, Archana. Bitta ji, agar aap inko mile to एक्चुअली इनके चेहरे पे एक सचित आनंद दिखता है. ही डजंट लुक लाइक ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम्स ऑफ लिविंग अ लाइफ दैट ऑन द एज. व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू हिज स्टोरी एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग बट फॉर यू? यू नो मेनी थिंग्स अर्चना. द थिंग इज यू नो देयर आर लाइक शिपशीश सेड, देयर आर सो मेनी लवली स्टोरीज टू बी टोल्ड इन इंडिया एंड देयर ऑल अराउंड अस. वी आर ऑल इंडियंस, यू नो, वी आर ऑल पेट्रियोटिक, वी आर ऑल नेशनलिस्ट, वी आर ऑल इंडिया लविंग एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टोरीज जो कि जहाँ पे लोग with power, either with powerful people or people who've held, been in uniform and they've told us inspiring, they've given their lives for India. But one of the things that is most important about Bitta Saab's story is ki unhone ye bina kursi aur bina vardi ke kar dikhaya, jo ki ek bahut unique part hai inki zindagi ka. Second part jo mujhe bahut attract kiya wo ye hai ki hum sab, mere khayal se hum sab insaan sabse zyada apni life chahte hain, you know. When you put it in front of anything, I want, even if I love my child very much, I want myself first. I want myself alive. हम में से world में कोई भी लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एक blast सहा है, you know. क्योंकि एक blast के बाद क्या होता है, या तो आप शहीद हो जाते हैं या आपको award मिल जाता है कोई, right? But Bitta साहब ने 15 बारी अपने, you know, you are seeing such a stylish man standing here. His feet are not there. He has umpteen everything broken in his body. And really what goes behind this man is quite painful. So I think 15 blasts makes him not only India's most bombed man, it makes him the world's most bombed man. And that's very interesting, but very tough. I think we need to make a movie on his brains. Like that mind is superpower, isn't it? Yeah, I think that's just India. That's just love for India. And I think the third thing is, which is also relevant, which is that, you know, we all know terrorism exists. There is terrorism around. We know how terrorists are caught. But really, there's been no story by far on political terrorism and what it does. And I think it's relevant today more than any time else, and it'll remain relevant. And that's really what is bahut farak about Bitta Saab's story. Finally, I just want to say that, Bitta Saab, thank you very much. Aapne hum sabko itna trust kiya.
नहीं आपकी थैंक यू वेरी मच आपने अपनी जिंदगी हमको अलाउ करी बताने में एंड फाइनली शिवशीष शैलेंद्र एंड आई आर वेरी वेरी ग्रेटफुल बिकॉज यू नो फ्रेंड्स We all know good stories can only be told when the muscle and passion goes behind it. And Shibashish has shown and we're very, very happy with Reliance partnering that this film will get its vision. Thank you very much. Thank you. We are grateful. Can we have a great photo of moment before we get into a Q&A? I'm going to take the mics away and... I'll take it. May I request the team to get the chairs for the Q&A? Yeah. Yes, our first question from the gentleman here. Hello. Please poochhe. Peeche wale ne apna haath niche kar diya, ladies first. Hello. Haan, Bitta ji, mera prashn ye hai ki aapne itni aapki bahaduri aur itni sari cheeze jo jazbaat aapke andar thi, jisko aap आगे लेके आए लेकिन आज के युग में ये जज्बात कम क्यों हो रहे हैं लोगों में और ये टॉलरेंस सहनशीलता ये सब कम क्यों हो रहा है एग्रेशन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है देश के प्रति प्रेम कम क्यों हो रहा है इसके बारे में कुछ बताएं मैं आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूँ कि हमारा जज्बा कम हो रहा है मैं रोज़ यूनिवर्सिटी कॉलेज मॉडर्न स्टूडेंट जो हैं आजकल मैं भी सोचता था शायद जज्बा कम हो गया होगा पर जब भी हम शहीद आजम भगत सिंह जी राजगुरु सुखदेव जी की या उन शहीदों के इतिहास को जब हम बताते हैं किस तरीके से पंजाब के इतिहास को बताते हैं तो मैं देखता हूं कि स्टूडेंट की आंखों में आंसू निकलते हुए मैं रोज़ देखता हूं ये कहना गलत है कि जज्बा नहीं ऐसी मूवी और आएंगी और पहले भी कई ऐसे आ चुकी भगत सिंह जी के ऊपर आ चुकी केसरी कई पिक्चरें ऐसी आ चुकी हॉलीडे आ चुकी तो यही चीज़ें हैं जो जज्बा पैदा करती रहती हैं बिल्कुल मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि जज्बा नहीं है जज्बा बहुत है पर जज्बा जो है हमारी जो पिक्चर लाइन है ये जज्बा बढ़ती है मैं अगर अपना काम जो जीवन में अपने कर्तव्य को पूरा किया है मैं कितना भी करता रहूँ वो बंद कमरों तक रह जाएगा कुछ एरिए तक रह जाएगा पर हमारा एक मूवी एक ऐसा साधन है जो दुनिया के कोने कोने तक इसको पहुँचाता है जो जज्बा पैदा करता है हम तो कर्तव्य करते हैं पर उसको आगे लेके जाना आज रिलायंस कंपनी ने जिम्मेदारी उठाई है प्रिया गुप्ता जी है शैलेश जी है तो ऐसी चीजें आगे लेके जाती हैं जज्बा है और जज्बा इसको जगाना है बस और आगे लेके जाना अच्छा बेटा जी हियर जी सत श्री अकाल जी वंदे मातरम अच्छा आपने कहा पॉलिटिकल टेररिज्म तो क्या आपकी फिल्म में ये सच्चाई भी दिखाई जाएगी कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल टेररिज्म चल रहा है जो देश को खोखला कर रहे हैं आतंकवाद की वजह से तो क्या ये सब सच्चाई भी आपकी फिल्म में दिखाई जाएगी ये पॉलिटिकल टेररिज्म कहीं ये मत समझिए कि हिंदुस्तान में है कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल टेररिज्म है पाकिस्तान में भी मैं अगर जिक्र करूँ चाहे हमारा दुश्मन बेनजीर भुट्टो की जो हत्या हुई वो पॉलिटिकल टेररिज्म था राजीव गांधी की हत्या हुई पॉलिटिकल टेररिज्म था मेरे ऊपर ब्लास्ट हुए तो पॉलिटिकल टेररिज्म था एक्चुअली आज जो सबसे बड़ी कमियां है कि पॉलिटिकल टेररिज्म का अभी तक समाज को सिस्टम को पता नहीं चला कि पॉलिटिकल टेररिज्म है क्या हमारे राजनीतिक लोगों के रूप क्या है हम ऊपर क्या है हम अंदर क्या है हम वोट की खातिर किसी को साइड में करने की खातिर हम आगे पहुंचने के लिए क्या क्या सहारे लेते हैं मुझे लगता है कि जो मूवी मेरे ऊपर है मेरे पास इतने सबूत हैं इतने गम इतने दुख इतनी पीड़ा
इतने खून के आंसू हैं जो शायद मैं अभी तक बाहर नहीं निकाले हैं, कोई ये ना कहें कि शायद मैं ये पब्लिसिटी के लिए करता हूं। तो भगवान कृपा करे, जो आज शुरुआत की है ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जरूर आएंगी। अब करना तो इन्होंने है, सारी चीज़ें आएंगी और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस होगी और सच्चाई पता चलेगी कि अच्छे लोग कौन हैं, बुरे लोग कौन हैं और राजनीतिक लोग कहाँ तक चले जाते हैं। अच्छा शैलेंद्र जी, जब भी कोई ऐसी फिल्म बनती है जिसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो तो कहीं ना कहीं से लोग काला झंडा लेके विरोध करने आगे आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई इसमें ये सच्चाई नहीं है या तो ये सच्चाई नहीं है। आपकी फिल्म के हो सकता है विरोध हो कहीं ना कहीं से, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आई थिंक मुझे लगता है कि सोसाइटी सर्वाइव ही करती है राइट एंड रॉन्ग के साथ, लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो ये सब्जेक्ट है इसकी जो रूह है, इसका जो सोल है वो पेट्रियोटिक है। जो सबसे बड़ा एजेंडा इस फिल्म का है, बिट्टा जी की जो कहानी है वो शुरू से लेके एक ही मकसद बताती है कि नेशन बिफोर एवरीथिंग एल्स। और वो तो हर हिंदुस्तानी इस बात को 100% मानेगा कि अगर अगर आपने नेशन को पहले नहीं डाला तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो आई थिंक जो इस फिल्म की जो नींव है वो मेरे को लगता है कि बहुत ही उम्दा है और वो पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी से जुड़ेगी। और वॉइसेस होना, ऑपोजिशन होना, प्रो अगेंस्ट, ये तो एक दौर है डेमोक्रेसी का और ऐसा दौर चलते रहना चाहिए, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म को जिस तरीके से रिलायंस शबीशीश और उनकी टीम हैंडल करने वाली है, हम ये बात समझते हैं कि हिंदुस्तानी लोग मैसेज चाहते हैं लेकिन एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बिट्टा जी की कहानी बहुत ही डीप रूटेड है, इंटेंस है, पेट्रियोटिक है, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग भी है क्योंकि जिस तरीके की पर्सनैलिटी आप देखिए, हम सब अंडर प्रिपेयर्ड आए हैं लेकिन बिट्टा जी रेडी हैं। मैं हमेशा बिट्टा जी को बोलता हूँ, मेरे को शर्म आती है, मैं घर से निकलते हूँ सोचता हूँ कि मैं क्या पहन के जाऊँ। आप ये सोचिए कि बिट्टा जी ने आपको बहुत पोलाइटली एक बात बोली कि इनके शरीर में हड्डियों से ज़्यादा लोहा है, ये आपको बोलने में आसान लग रहा है लेकिन जी के दिखाइए। मगर उनकी पर्सनालिटी, उनका तेवर, एक हिंदुस्तानी, बाप रे बाप। तो ये है, ये हमारा कोर है और अगर इस कोर से फिल्म बनेगी तो आई थिंक इट शुड बी द बिगेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म बिकॉज द फिल्म इज बेस्ड ऑन इंडिया एंड एन इंडियन। I don't think it is fair to make a statement like that, but I can tell you with an amount of confidence that for a story like this, everyone will be excited. So it's not Vikas is a great guy, but we also have to see that who is doing what are their calendar. But aisa kahani bolne ke liye there will be a lot of people who will be excited to be a part of that chat. Bittaji. As of now, no. We have not even dealt with that. Me, Shailendra, we have been discussing last couple of months. We have been discussing, but you, of course, have to two or three things. You have to see that who will be capable of handling this kind of subject at the same point of time, their availability, timelines, because we also want to tell the story within a certain timeline. Nothing. We have not even. I know that I cannot give a headline today, and as much excitement can be there, I don't want to give a headline today. So neither actor nor director I think for the first few months or at least for a certain period of time, Shailendra and Priya has been working for almost last probably one and a half year on the script. So we'll finalize that and then only we decide that which director or which actor we can take. I know you were... Your questions are interesting, but see, at the end of the day, somebody who has to come on the board has to come passionate about the story, right? I see that there is a favorite here. बेटा जी आपको पहली बार वार्निंग मिल रही है बॉम्ब फटने के पहले। रोल कौन करेगा ये तो शैलेंद्र जी, प्रिया गुप्ता जी, रिलायंस, इन्होंने फैसला करना है। मैं तो इनका प्रिया गुप्ता जी का खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हॉलीडे जब पिक्चर आई थी तो इन्होंने मेरे ऊपर बड़े
थोड़े शब्दों में एक मेरे ऊपर आर्टिकल लिखा था जिसमें खुद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि जो मुझे इतनी जल्दी समझ पाए। पहली बात तो दूसरे व्यक्ति को आज कुछ समझ नहीं पाता उसके जज्बातों को, मेरा ख्याल 20 मिनट के अंदर अंदर बैठे और मुझे समझ पाए, मेरी आंखों में आंसू थे। और भी लोग बहुत थे मूवी को करने के लिए, पर जब प्रिया गुप्ता जी आए तो मैं उनको इनकार नहीं कर पाया। तो मैं एक्टर की जहां तक बात करूं, जो फैसला इनका है, पर मेरा जो इस पिक्चर के साथ नहीं, मैं कह रहा नहीं नहीं इस पिक्चर के साथ उसका, आपने सवाल पूछा, जवाब देना मेरा फर्ज है। मैं जब शहीद आजम भगत सिंह जी के ऊपर बहुत मूवी बनी, बहुत बनी, पर मैंने आज भी अगर अजय देवगन को देखता हूं तो मुझे वो शहीद आजम भगत सिंह नजर आता है। मैं नहीं कहता वो ले, मैं नहीं कहता वो ले, पर उसका जो सीरियसपन, देखो मेरी पिक्चर में हंसी नहीं होगी, मेरी पिक्चर में आंखों में आंसू होंगे, रोना होगा, जज्बात होंगे, राष्ट्र होगा, वंदे मातरम होगा, मेरे खुद के निकले हुए अंदर से कई आवाजें हैं। जैसे को कहता मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं एक ही कहता हूँ जब बड़े बड़े चैनलों में जाता हूँ, मैं कहा मेरे से मेरा धर्म पूछ, मेरा धर्म क्या है, ये मेरा नारा है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। भारत माँ में पैदा हुआ, जब कभी मेरी बम्बो गोलियों से दोबारा मौत आए, भगवान के आगे यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे आखिरी वक्त बोलने का इतना वक्त देना, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, और कहता हुआ तुम्हारे चरणों में चले जाऊं। ये मेरे अंदर के दर्द। It's like saying is red red again, like thanks. Can we have the next question? Shebashish sir, yeah, hi. Jyoti this side from Movies Adda. Reliance jo hai bahut hi unique films ke sath aajkal aa rahe hain, jaise ki of course hamesha se hi rahe hain lekin Saand Ki Aankh ho gaya aur ab ye content jo ki logo ko itna inspire karega aur uske baad Super 30 bhi hai, sath hi sath 83 bhi, you know, inspirational films ke sath aa rahe hain, aisi films ko back up kar rahe hain, aap us bare mein kya kehna chahenge? So it I'll tell you the two there are two emotions which come when this kind of stories comes. One is that excitement that okay, this story has come to us, I'm greedy, right? So I'm lucky to get this story. At the same point of time comes fear that if we can't live up to the expectations, Hindi mein bolte hai na juta padega. So it's very difficult when you take somebody's life or somebody's biopic or somebody's journey. You have to make every single effort to push it through situation. Like we dealt just in last 1 year, we dealt two stories. One, of course, with Tomar Dadi, and then with Anand sir. And how much time we need to spend with the individuals? Of course, the directors and the creators they spend more time. But how much time we need to spend with the individuals throughout the journey, at the stage of making, at the stage of promotion, at the stage of their expectation, if something is going correct, wrong, like for all practical purposes, Super 30 now will go to China also. So even now, Anand sir is regularly, every week probably he's involved in the discussion that how he should. So there is a responsibility that you have to live up to the expectation. At the same point of time, there is an excitement that you get a chance to tell this story. Also, can we say that Reliance is becoming the king of biopics? Because every biopic is becoming a successful hit at the box office. I think there are so many other people who are doing equally good job and so many other studios. I'll tell myself that we are lucky that we have got some of the great stories, and it's somewhere a timing issue that we have some great stories to tell right now. Can I make a small request? Please. Yeah. I think we're done with the questions, right? Ji. So, Bitta ji, thoda sa ek do share ho jaye. Oh. You'd like to hear Bitta ji's point of view? Okay, ready? देखो जब मैं घर से निकलता हूँ, पता नहीं कभी हम मिल पाए या ना मिल पाए, वक्त का पता नहीं होता। अपने साथ जब निकलते थे काफले में, देखा कि आगे LMG पकड़ा हुआ जवान ऐसे ऐसे घुमा रहा है, पुल उतरा, देखा ब्लास्ट हुआ, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, और LMG के कितने टुकड़े हुए, अगला हिस्सा किसी के पेट में घुसा, जिंदगी का पल का पता नहीं है। तो बोनस पे हम, पर हम ये कह के जरूर निकलते हैं, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। ए भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं,
जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं वंदे मातरम जाहिर And now we can't really wait for this movie. Shailendra ji, please, time dijiye, but jaldi, jaldi. Bitta ji. Bitta ji, mera prashn aapse ek ye bhi hai. This side. कि आपके अंदर इतने सारी गोलियां और इतने सारे लोहे की सारी चीजें आपके अंदर है तो इसको लेकर के आप अपनी फिटनेस को किस तरह से इतना चीयरफुल रहते हैं कैसे बनाए रखते हैं अपनी फिटनेस थोड़ा ये भी बता दीजिए बेटा साहब आप खुश देखो अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा अपने इस बोनस की जिंदगी के शरीर के हिस्से का तो मैं तो बेड पे लेट जाऊंगा ये सारी चीज़ें उसी में आएंगी पहले बताना मेरे ख्याल ठीक नहीं मैं सुबह कैसे उठता हूँ मुझे कितने लोग उठाते हैं मैं जब तैयार होता हूँ तो मैं अकेला नहीं हो पाता दो लोग मेरी मदद करते हैं जब गाड़ी में बैठता हूँ फिर दो तीन लोग मुझे पकड़ के बैठाते हैं तो मैं हर चीज़ जो जीवन में बोनस की ज़िंदगी में देखा इतने बम्बों गोलियों से बचने के बाद मैं हर पल हर कदम भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ कि तू ही मुझे चलाता है तू ही कराता है तू ही मुझे जिंदा रखा है ये जिंदगी का कई अच्छे भी और तमाशा भी जिंदगी का जो गंदी राजनीति का हम देखते हैं तो उसी के ऊपर छोड़ देता हूँ जैसे देखता हूँ कि एक दिन मुझे बड़ा दर्द हो जाता है मैं फिक्र में आ जाता हूँ पर मुझे जब याद आता है कि ये राष्ट्र की सेवा है ये राष्ट्र की लड़ाई मेरी दर्द फिर कम हो जाती है फिर होती है फिर राष्ट्र को मातृभूमि को याद करता हूँ फिर कम हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपना ध्यान अपने शरीर का ध्यान ये मेरा शरीर एक मंदिर है मैं अपना ध्यान रखूंगा तो मैं आगे कुछ पाऊंगा तो मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ जो डॉक्टर मुझे एक्सरसाइज बताया है जिन्होंने मेरे ऑपरेशन किए हैं वो सुबह 2 घंटे 1.5 घंटा रात को सोने के टाइम पे करता हूँ फिर चल पाता हूँ अगर नहीं करता तो फिर मुझे 1-1 महीना 15 दिन बेड पे लेटना पड़ता है तो भगवान के ऊपर है सारा वही चलाता है मेरा सवाल आपसे है इधर मेरा सवाल आपसे है सवाल भी है और एक मोमेंट भी मैं बताना चाहूँगी मेरे फादर भी आर्मी में है सूबेदार है तो वो जब पुंछ रजौरी में पोस्टेड थे जब वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह हुए थे तो मुझे एक इंसिडेंट याद है तब मैंने उनसे पूछा क्योंकि कनेक्शन हमारा टूट गया था क्योंकि वहाँ से कॉल्स नहीं आ पा रहे थे और यहाँ से कॉल्स जा नहीं रहे थे पापा को तो जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है हालत ख़राब चल रही है जो भी है सिचुएशन कुछ दिन बात नहीं कर पाऊंगा तो जब हमने पूछा कि आप लोग पापा आप लोग क्यों फायर बैक नहीं कर रहे हो आप लोग क्यों यू नो अटैक हमारे यहाँ से क्यों अटैक नहीं कर रहे सिर्फ वहाँ से ब्लास्ट हो रहे हैं तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा हम ऐसे नहीं कर सकते हमें भी ऑर्डर्स नहीं है हमें सिर्फ इतना ऑर्डर दिया गया है कि अपने आप को डिफेंड करो और मतलब अटैक मत करो सिर्फ डिफेंसिव मोड पर रहो अपने आप को प्रोटेक्ट करो बस तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे ही लोग पहले का जो वक्त था जवान हमारे जवानों का सिर काट के ले जाते थे पाकिस्तान के वो आतंकवादी या फौज के वो लोग बहनों के सुहाग उजड़ जाते बच्चे यतीम हो जाते और हम रात को क्या आपने खाना खाया क्या नहीं खाया लाल कारपेट के साथ ताजमहल पे बुलाया जाता था वो चीजें हम भूल जाते थे देखो मैं पहली बात तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं पर जो राष्ट्र के लिए काम करेगा चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या कोई हो उसके लिए मेरा जीवन हमेशा हाजिर है क्योंकि इतने वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए हमने विरोध किया पर मौत का कफन बांध के गए क्या संदेश दे के गए पूरी दुनिया को बताने के लिए कि ये महात्मा गांधी का देश है आतंकवाद हो चुका पाकिस्तान में बैठा हुआ आम आपकी तरह को भाई बहन हमारा आज भी वो भाई है पर ये खून की नदियां बहाना बंद करो उधर हो या इधर हो उसके बाद क्या हुआ मुझे पता था ये होगा पाकिस्तान की आईएसआई ये करेगी दीनानगर की घटना पठानकोट की घटना हुई और उसके बाद आज तक एक गोली चलती पाकिस्तान से 100 गोली का जवाब दिया जाता है जब 18 जवान शहीद हुए 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुस करके उनके 40 आतंकवादियों को मार के कैंपों को उड़ा के आए पुलवामा हुआ रातों रात आप सोए हुए थे नरेंद्र मोदी जाग रहे थे और हमारी फौज 15 मिनट में गई और 350 के करीब आतंकवादियों को ढेर करके उनको तमाम कैंपों को तबाह करके आई क्या आपने सोचा था अपनी लाइफ में कि 370 धारा हटेगी यह मुद्दा ठंडा पड़ चुका हो जाए
पर हम उनका एहसान कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने हमारे लाखों हजारों लोगों का, हमारे जवानों का बदला 370 धारा हटा के लिया। वक्त वो अब खत्म हो चुका, जो मेरा मानना है आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी है। आज किसी जवान को बीएसएफ हो, सीआरपी हो या फौज हो, उसको दिल्ली से पूछना नहीं पड़ेगा साहब गोली चलाए या ना चलाए, एक चलेगी 100 मारेंगे, मार के उनको ठोक के आएंगे। ये आज का माहौल। I think this deserves a standing ovation again. He is a man par excellence whose every heartbeat is dedicated to India. Bless you, Bitta sahab. Bless you. Thank you. Aapki kahani share karne ka avsar dene ke liye Reliance ko, Shailendra ko and Priya, thanks for that article. Thanks to you. We get to see this on big screen. Please stay right where you are. We have another very exciting announcement. Thank you, everyone. Jakas is a word that's connected to him, and I think it's going to be there with you for the rest of your life. What a journey. Before we call upon the team to come and celebrate this, sach batao ya, kabhi aise bachpan mein khwab tha kya ki itna nachunga ki picture bana ke rahunga apne upar? Kabhi nahi socha tha actually. Jis jagah ko hum log belong karte hai, waise nala supara. And ye bahut purani journey hai, humko 12 se 14 साल के आसपास हो चुका है डांसिंग शुरू करके। एंड उस ज़माने में ना रियलिटी शो थे, ना हमारे पास टेलीफोन्स थे, ना लैंडलाइंस था, कुछ भी नहीं था, एंड ना इंटरनेट था। एंड उस टाइम पर ये सोचना कि डांस में मुझे करना है वो इम्पॉसिबल था, क्योंकि करियर भी नहीं था उसमें, तो बहुत डिफ़िकल्ट था ये सोचना एंड सबके पेरेंट्स को भी कन्विंस करना कि मुझे डांस एज अ करियर चूज़ करना है। सो बहुत डिफ़िकल्टीज थी, बट ये जो टीम जो बनी है, हम सब 13-14 साल से साथ में, सब इतने इतने से थे जब शुरू किया था, मैं भी छोटा था, एंड हमने एक ड्रीम देखा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे ज़िंदगी में कि डांस में करियर बन सकता है, ये लोगों को दिखा पाए। एंड वो जर्नी शुरू हुई हमारे नेशनल टेलीविज़न के रियलिटी शोज़ से। इंडिया में बहुत सारे रियलिटी शोज़ जीते, करते 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 एक दौर था जब ही सारे डांसर्स जितने भी इंडिया के थे वो ये सोचते थे कि जो फॉरेन के डांसर्स है, जो बाहर के डांसर्स है, उनके ऊपर कुछ नहीं है, हम उनसे बहुत नीचे है। तो ये जो थॉट था वो मुझे बहुत हमेशा से अंदर ही फीलिंग लाता था कि क्यों ऐसी सोच है एंड क्यों हम लोग ये मानते हैं कि हम उनसे नीचे है और वो हमसे ऊपर है। तो वो सोच बदलने के लिए एक स्टेप लिया हमने कि हम जाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और हम कॉम्पीट करते हैं एंड कॉम्पीट करके बताते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। एंड ये चीज़ करने के लिए मुझे 7 साल लग गए। शुरू किया था 2012 में, पहले इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, पहले हम हिप हॉप में गए, वहाँ पे हम फाइनलिस्ट बने,
उसके बाद 2015 में वापस गए हिप हॉप में, थर्ड पोजीशन आया, ब्रॉन्ज मेडल जीते, एंड उसके बाद पिछले साल 2019 में गए एंड दुनिया की सबसे बड़ी डांस कॉम्पिटिशन जहाँ पे 60-70 कंट्रीज आते हैं, सारे डांस फॉर्म्स आते हैं, वो सब एक साथ आए, वो कॉम्पिटिशन किया और वहाँ पे हम वर्ल्ड चैंपियंस बन गए. एक्चुअली इट्स माई फॉल्ट, आई शुडंट गेट यू टू से ऑल दिस. एक एवी देखते हैं साथ में और फिर बात करते हैं. सुरेश, आई रियली फील वी शुड बोथ बी प्रेजेंटिंग दिस आर्टिस्ट टू एवरीबॉडी, कंसिडरिंग ऐसा नहीं है कि आपकी फिल्म नहीं बनी है, बट हाउ इज दिस वन गोइंग टू बी डिफरेंट? आई थिंक यू शुड टेक इट ओवर. आई थिंक आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट एंड इट्स नॉट, आई मीन सुरेश इज द कैप्टन, लाइक ही इज द विराट कोहली ऑफ दिस. But there's an entire team behind, correct? Yeah. Now? And all, each one of them are legends. And मुझे एक ही बात समझ में आती है कि the story of 14 Indians from Nalasopara. When I say Nalasopara, it is a beautiful place. It's a tough place, but it is a place full of hope. आशाओं से भरा हुआ है वो. हर हिंदुस्तानी जो ख्वाब देखता है ना, वो इस तरीके से देखेगा ये फिल्म देखने के बाद कि ख्वाब सच होते हैं. और इन लोगों ने, किंग्स ने ये ख्वाब सच किया है, सिर्फ अपने लिए नहीं, इनकी तो जिंदगी सवर गई, लेकिन वो 600 मिलियन जो 25 की उम्र के नीचे हैं हिंदुस्तानी, वो कोई भी हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, डांसर हो, सिंगर हो, वो किंग्स की वजह से वो ख्वाब देख सकता है, क्योंकि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्हें जीती थी वो पहली बार पूरे धरती पे किसी भी डांस ट्रूप को 100, 100 और 100 मार्क्स मिले हैं. और दूसरी बात, ये कहना आसान है क्योंकि डांस फिल्में बहुत बनी है इस देश में, ABCD 1, 2, 3 स्ट्रीट डांसर आ रही है, बट ये बात समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जर्नलिस्ट के लिए कि ABCD 1, 2 सुरेश और इनके ट्रूप की 10% कहानी थी. ये उससे कनेक्टेड है, स्ट्रीट डांसर भी कनेक्टेड है, इन्हें कोरियोग्राफी की है स्ट्रीट डांसर की भी, वरुण से कनेक्टेड है, रेमो से कनेक्टेड है, लेकिन डांस फिल्में तो बनती रहेंगी, लेकिन हिंदुस्तान में बॉलीवुड में फिल्म तो एक बनी थी लगान. उस क्रिकेट टीम ने हमें सिखा दिया था कि एक खेल पूरे देश को जोड़ सकता है, और आज द किंग्स डांस के थ्रू पूरे देश को जोड़ सकते हैं. ये सबक हमें सीखना चाहिए. तो ये फिल्म सिर्फ एक डांस फिल्म नहीं है, ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी फिल्म है in terms of entertainment and patriotism, and to inspire every youth ki khwab dekhna kabhi mat bhulna. Nalasopara Las Vegas pahunch sakta hai, to aap socho aap kahan ja sakte ho. Thank you. You know, you, because of you, we saw so much. Why does dance, matlab dance ek form, ek format of expression, agar cricket mein jazba hai to dance mein shayad usse bahut guna aur jazba hai jo dance kar raha hai, jo usko samajh raha hai. उसको एक रिस्पेक्टेबिलिटी नॉट इन द वर्ल्ड, इन इंडिया इटसेल्फ कम क्यों है? मुझे नहीं लगता है कि कम है, बस सबके अपने अपने थॉट्स हैं. कोई सोचता है कि, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोगों को लगता है कि इसमें हम कम है, बट वो किसी को स्टेप लेके जाकर कुछ प्रूव करना जरूरी है, दिखाना जरूरी है कि हम किसी में कम नहीं, अगर हम भी कोशिश करेंगे तो हम सबसे ऊपर हो सकते हैं. एंड ये जो जर्नी है, जैसे कि सर ने कहा, ये हम स्टाइल करते हैं उनका, ठीक है, पर उसमें हम डालते हैं हमारा फ्लेवर, हम डालते हैं अपना इंडिया का फ्लेवर. हमने सारे, मतलब आज तक जब भी इंटरनेशनल गए ना, हमेशा वहाँ पर बॉलीवुड गाना ही बजा है. तो वो हम दिखाना चाहते थे कि बॉलीवुड गाने में कितना पावर है. वहाँ पे लोगों को समझता नहीं है, वो लोगों को ना लिरिक्स पता है ना म्यूजिक पता है, बट जब वो म्यूजिक सुनते हैं तो ऑटोमेटिक वो नेशनल हो जाते हैं. तो ये बट एक सवाल है, क्योंकि जब भी गणपति होता है हम सब सड़कों पे आ जाते हैं, आपने कभी ऑडिशन किया वहाँ पे बच्चों का, यार ये आदमी तो बहुत अच्छा नाचता है इसको भी ले लो ट्रूप में? बिकॉज देयर इज एक्चुअली ग्रेट टैलेंट ऑन द स्ट्रीट्स. हैव यू एवर फेल्ट दैट योरसेल्फ? ऐसे तो टीम बनी है हमारी. ओह, ऐसे तो टीम बनी है, क्योंकि 12 साल पहले कौन सा हिप हॉप था, कुछ नहीं था, बट ऐसे ही सब लोकल डांसर्स थे जो कहीं पर भी डांस करते थे, किसी को थोड़ा बहुत नाचने को आता, अच्छा आजा टीम ज्वाइन कर, चल साथ में टीम बनाते. तो उसी तरीके से पूरी टीम बनी है, मेरी पूरी टीम वहां पर बैठी है पीछे. किंग्स यूनाइटेड, उनके बगैर मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि मैं जिंदगी में अगर इतना भी कुछ बन पाया ना, इतना भी, तो वो सब कुछ इन्हीं की वजह से. थैंक यू गाइस. एक्चुअल में पता है, जब आप क्रिकेट की बात कर रहे हो तो हम कहीं पर जाते हैं ना, तो अब लोग ऐसे कहने लग गए कि डांस की दुनिया में अगर
टीम इंडिया है तो वो किंग्स है. Correct. जो डांस की दुनिया में टीम इंडिया को हमेशा जीताता है. तो जब जब हम जाते हैं लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, लोग सोचते हैं कि किंग्स गया है कुछ होगा, किंग्स गया है कुछ होगा. पहली बार गए फाइनलिस्ट बने, दूसरी बार गए ब्रॉन्ज जीते, तीसरी बार जब गए तो विनिंग किसी ने नहीं सोचा था कि जीत भी सकते हैं. बट जब जीते तो लोगों ने एक्चुअल में उतना प्यार दिया एंड समझा. एंड आज पहले एक टाइम था कि हम किसी भी डांसर को जब पूछते थे कि तुझे कौन बनना है तो शायद मेरा नाम ले लेगा या शायद रेमो सर का नाम ले लेगा या शायद किसी डांसर का या किसी इंस्पिरेशन का नाम ले लेगा. बट आज हम किसी भी डांसर को पूछते हैं तुझे क्या करना है, वो यही चीज बोलता है कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है बाहर. Wow. तो ये जो बदलाव आया ना तो उसमें बहुत बड़ा स्टेप रहा है पूरी टीम का, तो उसी की वजह से आया है. आई थिंक ये विनिंग मंत्र आज जाना पड़ेगा. तो मैं सरकार जी को फिर से यहाँ बुलाऊंगी. सरकार जी प्लीज आइए, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है. शिवाशीष and the audience, I think it's your turn to ask. There is lots of passionate people on the stage. It's your turn. Pehla sawal. Ek minute, team ko bula le. Ha, mujhe chahiye ki ha, request hai ki puri team aa jaye yahan par. Yay! Come on, guys. So Suresh is actually a member jo jinke right pair wo chal pa rahe hain. The one you said abhi. So freaked out singer. Hello boys. Stage ke maharathi. ABCD2 एक टोटली जैसे कि आप मैंने बताया कि हम तीन बार जा चुके हैं. तो जब हमने फर्स्ट टाइम जब शुरू किया था वो उस एक सिचुएशन की के बेस पर पूरी मूवी है कि वो इंस्पायर्ड मूवी है कि हमने एक किस तरीके से हमने जाके एक टीम है इंटरनेशनल जिससे हम इंस्पायर्ड होते उनको जाके बीट किया. ये उस सिचुएशन और उस इंसिडेंट के ऊपर पूरी स्टोरी थी. बट ये जो हो रही है ये है एक बायोपिक कि हर परफॉर्मेंस के पहले हर बार इंटरनेशनल जाने के पहले उसके पीछे की कितनी मेहनत रही है, हमारे लाइफ के रिलेटेड कैसे हम एक साथ हुए, किस तरीके से हमारे परिवारों में तकलीफ हुआ है, कैसे हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए, किस तरीके से टीम बना टूटा, लोगों ने हमारे अगेंस्ट गए एंड वापस हम एक साथ मिलकर नया टीम बना के वापस वहाँ पर जाके जीते. तो ये पूरी जो एक बायोपिक स्टोरी है जो हमारे लाइफ के ऊपर है तो ये बहुत डिफरेंट है उससे. वो तो सर बताएगा आपको कि कौन सर बताएंगे सरकार सर आगे. See, I think देखो मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि शैलेंद्र सर एंड रिलायंस ऑन बोर्ड आ चुका है एंड उन्होंने सोचा हमारे पर बनाना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. पहली बार आई मीन आई एम जस्ट 31-32 एंड ये सारे लोग 26-25 साल के एंड हमारे लाइफ के तो इससे बड़ी बात क्या है. तो हमने वो नहीं सोचा कि कौन प्ले करेगा, क्या होगा, किस लेवल पे होगा. वी आर जस्ट हैप्पी कि इतनी यंग एज में हम इंडिया के बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर कर पाएंगे इस स्टोरी के थ्रू. तो हमारा मेन मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है. बाकी कैसे होगी क्या होगी वो आपको सर बताएंगे. आई थिंक as we have been mentioning is that it's too early from that perspective, but fact of the life is that I'm slightly taking the question in a slightly different way. I mean, like majority of us in our country, like if somebody ask a parent or any middle class family when they aspire that uska ladka aur ladki kya hona chahiye, I think hum log a salaried middle class family, hum log koi doctor banna chahta hai, koi teacher banna chahta hai, koi school mein padhna chahta hai, those are the aspirations which happen in a normal middle class. Humko ek naukri milna chahiye jisme hamara ek zindagi jiye karke. Now when I see these boys and I mean I have also dealt with this ages at some point of time, what I feel that probably we are never courageous in our career, in our age, Shailendra, that we are never courageous. They have seen, they have dreamed that what they can dream, what they can hope, and that is the most important thing what Shailendra said, that inhone jo karke dikhaya already a umar mein, that every Indian or every human being should dream, and wo dream ko true
करने के लिए वो होप करेक्ट करने के लिए जो मेहनत करना पड़ेगा और जो सच होता है वो जो करके दिखा है, उसके बाद हम लोग का जो जर्नी होगा शैलेंद्र और मेरा बात जो जर्नी होगा दोस्तों मच स्मॉल, दैट कौन एक्ट करेगा कौन लाएगा, स्टोरी इतना स्ट्रॉन्ग स्टोरी है तो उसका ऊपर तो बाकी तो हम लोग को मेहनत करके लेके आना पड़ेगा, बट दैट तो हमको करना नाउ इट इज ऑलरेडी स्ट्रेट, आई मीन दे हैव डन दैट जॉब, आई मीन फॉर द नेक्स्ट फ्यू जनरेशन ऑफ पीपल और फ्यू जनरेशन ऑफ किड्स दे विल बी करेजियस टू ड्रीम एट देयर एज व्हिच वी हैव नॉट प्रॉबली डन एट आवर एज, वी हैव नॉट टेकन अ सेफ रूट इन आवर लाइफ. So that's the most important thing. So whether ABCD 2 mein kuch dikha hai, nahi dikha hai, wo toh fictional story hai. Now if he's saying that he's 30 years old and most of the kids are 25, 26 years old, they have to live another 20 years of their life or 30 years of their life or 40 years of their life of the successful life in terms of the choreography, in terms of their action and etc. So aur kitna story banenge, kitna story aage jayenge, toh aur bahut dur ka baat hai honestly. Next question. So we see, I think I'll just slightly go back into the same example when Shailendra said that in our country itself, we have seen 3 films on cricket. We have seen Lagan also, we have seen Dhoni also, we'll see 83 also, right? So dance ka upar bhi film aisa nahi hai that last 5 saal mein Varun and everybody has done a brilliant job in ABCD 1, ABCD 2 and now Street Dancer will also happen and etc. But as correctly Suresh mentioned that this is a biopic, this is not a fictional story. So of course, if it is on dance, there will be a lot of similarities because they were not going to sing, they are going to dance in that film. It will be still on that, it's not on any other work of art. But at the same point of time, jo true story hota hai, jo biopic hota hai, it is not only, we are not making a film for showing dance, we are making a film to show the human story. That what is the human story of this 14 young boys along with Suresh, that how they felt they can win something in life. But will there be similarity? The moments of similarities will be there because all of us struggle through the same human journey at the end of the day. Anybody ask any more questions, they'll dance with them, huh? Let's get creative with our questions. मैंने पहले भी कह दिया कि मेरे लिए यही बड़ी बात है कि Reliance and इन्होंने ये सोचा हम पर पिक्चर बनाना and वो भी बायोपिक. एंड जैसे आप बोल रहे हो कि ABCD 2 थी ऑलरेडी एंड वापस आ रही है दूसरी मूवी, बट ये मोस्टली ये स्टोरी बेस्ड है. उसमें वो डांस के ऊपर था एंड यहाँ पे डांस के साथ साथ हमारे बैकग्राउंड लाइफ स्टोरी को दिखाया जा रहा है कि हमने शुरू कैसे किया, कैसे हुआ, कितनी डिफ़िकल्टीज थी, वो सारी सिचुएशंस ज़्यादा आएगी डांस के साथ साथ. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में. एंड रही बात एक्टर की, तो मतलब ऐसा मेरा कोई पर्सनल चॉइस नहीं, आई नो कि ये कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो भी होगा बहुत बड़ा ही होगा. तो अगर अभी ऑनेस्ट बोलूं तो मैं करूंगा तो पिक्चर ही नहीं चलेगी. डोंट बी सो श्योर, यू हैव वन एवरी कॉन्टेस्ट. एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन फॉर शैलेंद्र. आप इन्हें इतनी चीजें लाइफ में करी, डांस भी किया था स्कूल कॉलेज में? नहीं नहीं. Were you part of some dance troupe? I think dance तो हर मनुष्य के दिल में होता है. Correct. और अगर हम जिनको डांस नहीं आता है उनका डांस बहुत विचित्र होता है और वो 2 बजे रात के बाद ही बेटर होता है. Any more questions? Should we take pictures then? Yeah. All right. I think it's time for a quick picture and then I'd like to call Bitta sir as well. Bitta ji, please be ready.
presenting this artist to everybody, considering aisa nahi hai ki aapke film nahi bani hai, but how is this one going to be different? I think you should take it over. I think I just want to say one thing that and it's not, I mean, Suresh is the captain, like he's the Virat Kohli of this, but there's an entire team behind, correct? Yeah. And all, each one of them are legends. And mujhe ek hi baat samajh mein aati hai ki the story of 14 Indians from Nalasopara. When I say Nalasopara, it is a beautiful place, it's a tough place, but it is a place full of hope. Aashaon se bhara hua hai wo. Har Hindustani jo khwab dekhta hai na, wo is tarike se dekhega ye film dekhne ke baad ki khwab sach hote hain. Aur in logon ne, kings ne, ye khwab sach kiya hai sirf apne liye nahi, inki to zindagi savar gayi. Lekin wo 600 million jo 25 ki umar ke niche hain Hindustani, वो कोई भी हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, डांसर हो, सिंगर हो, वो किंग्स की वजह से वो ख्वाब देख सकता है, क्योंकि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्हें जीती थी वो पहली बार पूरे धरती पे किसी भी डांस ट्रूप को 100, 100 और 100 मार्क्स मिले हैं. और दूसरी बात, ये कहना आसान है क्योंकि डांस फिल्में बहुत बनी है इस देश में, एबीसीडी 1, 2, 3 स्ट्रीट डांसर आ रही है, बट ये बात समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जर्नलिस्ट के लिए कि एबीसीडी 1, 2 सुरेश और इनके ट्रूप की 10% कहानी थी. ये उससे कनेक्टेड है, स्ट्रीट डांसर भी कनेक्टेड है, इन्हें कोरियोग्राफी की है स्ट्रीट डांसर की भी, वरुण से कनेक्टेड है, रेमो से कनेक्टेड है, लेकिन डांस फिल्में तो बनती रहेंगी, लेकिन हिंदुस्तान में बॉलीवुड में फिल्म तो एक बनी थी लगान. उस क्रिकेट टीम ने हमें सिखा दिया था कि एक खेल पूरे देश को जोड़ सकता है, और आज द किंग्स डांस के थ्रू पूरे देश को जोड़ सकते हैं. ये सबक हमें सीखना चाहिए. तो ये फिल्म सिर्फ एक डांस फिल्म नहीं है, ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी फिल्म है इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड पेट्रियोटिज्म, एंड टू इंस्पायर एवरी यूथ कि ख्वाब देखना कभी मत भूलना. नालासोपारा लास वेगास पहुंच सकता है, तो आप सोचो आप कहां जा सकते हो. यू नो, यू बिकॉज़ ऑफ यू वी सॉ सो मच. Why does dance, matlab dance ek form, ek format of expression, agar cricket mein jazba hai to dance mein shayad usse bahut guna aur jazba hai, jo dance kar raha hai, jo usko samajh raha hai, usko ek respectability not in the world, in India itself kam kyun hai? Mujhe nahi lagta hai ki kam hai, bas sabke apne apne thoughts hai. Yeah, yeah. Koi sochta hai ki, jaise ki maine pehle bhi kaha ki logo ko lagta hai ki isme hum kam hai. Yeah. बट वो किसी को स्टेप लेके जाकर कुछ प्रूव करना जरूरी है, दिखाना जरूरी है कि हम किसी में कम नहीं, अगर हम भी कोशिश करेंगे तो हम सबसे ऊपर हो सकते हैं. एंड ये जो जर्नी है, जैसे कि सर ने कहा, ये हम स्टाइल करते हैं उनका, ठीक है, पर उसमें हम डालते हैं हमारा फ्लेवर. Hey. हम डालते हैं अपना इंडिया का फ्लेवर. हमने सारे, मतलब आज तक जब भी इंटरनेशनल गए ना, हमेशा वहां पर बॉलीवुड गाना ही बजा है. तो वो हम दिखाना चाहते थे कि बॉलीवुड गाने में कितना पावर है. वहां पे लोगों को समझता नहीं है, वो लोगों को ना लिरिक्स पता है ना म्यूजिक पता है, बट जब वो म्यूजिक सुनते हैं तो ऑटोमेटिक वो नेशनल हो जाते हैं. तो ये बट एक सवाल है, क्योंकि जब भी गणपति होता है हम सब सड़कों पे आ जाते हैं, आपने कभी ऑडिशन किया वहां पे बच्चों का, यार ये आदमी तो बहुत अच्छा नाचता है इसको भी ले लो ट्रूप में, बिकॉज़ देयर इज एक्चुअली ग्रेट टैलेंट ऑन द स्ट्रीट्स. Have you ever felt that yourself? नहीं, ऐसे तो टीम बनी है हमारी. Oh! ऐसे तो टीम बनी है क्योंकि 12 साल पहले कौन सा हिप हॉप था, कुछ नहीं था, बट ऐसे ही सब लोकल डांसर्स थे जो कहीं पर भी डांस करते थे. Right. किसी को थोड़ा बहुत नाचने को आता था, अच्छा आ जा टीम ज्वाइन कर, चलो साथ में टीम बनाते. तो उसी तरीके से पूरी टीम बनी है, मेरी पूरी टीम वहां पर बैठी है पीछे. Kings United. उनके बगैर मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि मैं जिंदगी में अगर इतना भी कुछ बन पाया ना, इतना भी, तो वो सब कुछ इन्हीं के वजह से. थैंक यू गाइस. एक्चुअल में पता है, जब आप क्रिकेट की बात कर रहे हो तो हम कहीं पर जाते हैं ना, तो अब लोग ऐसे कहने लग गए कि डांस की दुनिया में अगर टीम इंडिया है तो वो किंग्स है. Correct. जो डांस की दुनिया में टीम इंडिया को हमेशा जीताता है. तो जब जब हम जाते हैं, लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, लोग सोचते हैं कि किंग्स गया है कुछ होगा, किंग्स गया है कुछ होगा. पहली बार गए फाइनलिस्ट बने, दूसरी बार गए ब्रॉन्ज जीते, तीसरी बार जब गए तो विनिंग किसी ने नहीं सोचा था कि जीत भी सकते हैं, बट जब जीते तो लोगों ने एक्चुअल में उतना प्यार दिया एंड समझा. एंड आज
आज पहले एक टाइम था कि हम किसी भी डांसर को जब पूछते थे कि तुझे कौन बनना है तो वो शायद मेरा नाम ले लेगा या शायद रेमो सर का नाम ले लेगा या शायद किसी डांसर का या किसी इंस्पिरेशन का नाम ले लेगा। बट आज हम किसी भी डांसर को पूछते हैं तुझे क्या करना है, वो यही चीज बोलता है कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है बाहर जाके। ये जो बदलाव आया ना तो उसमें बहुत बड़ा स्टेप रहा है पूरी टीम का, तो उसी की वजह से आया है। आई थिंक ये विनिंग मंत्र आज जाना पड़ेगा, तो मैं सरकार जी को फिर से यहाँ बुलाऊंगी। सरकार जी प्लीज आइए, आपके बिना कुछ कुछ नहीं हो सकता है। शिवाशीष and the audience, I think it's your turn to ask. There is lots of passionate people on the stage. It's your turn. Pehla sawal. Ek minute, team ko bula le. Haan, mujhe chahiye ki haan, request hai ki puri team aa jaye aap. एबीसीडी टू एक टोटली जैसे कि आप मैंने बताया कि हम तीन बार जा चुके हैं, तो जब हमने फर्स्ट टाइम जब शुरू किया था वो उस एक सिचुएशन की के बेस पर पूरी मूवी है कि वो इंस्पायर्ड मूवी है कि हमने एक किस तरीके से हमने जाके एक टीम है इंटरनेशनल जिससे हम इंस्पायर्ड हुए थे उनको जाके बीट किया, ये उस सिचुएशन और उस इंसिडेंट के ऊपर पूरी स्टोरी थी। बट ये जो हो रही है ये है एक बायोपिक कि हर परफॉर्मेंस के पहले हर बार इंटरनेशनल जाने के पहले उसके पीछे की कितनी मेहनत रही है, हमारे लाइफ के रिलेटेड कैसे हम एक साथ हुए, किस तरीके से हमारे परिवारों में तकलीफ हुआ है, कैसे हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए, किस तरीके से टीम बना टूटा, लोगों ने हमारे अगेंस्ट गए एंड वापस हम एक साथ मिलकर नया टीम बना के वापस वहाँ पर जाके जीते। तो ये पूरी जो एक बायोपिक स्टोरी है जो हमारे लाइफ के ऊपर है, तो ये बहुत डिफरेंट है उससे। वो तो सर बताएगा आपको कि कौन सर बताएंगे, सरकार सर आ गए। सी आई थिंक देखो मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि शैलेंद्र सर एंड रिलायंस ऑन बोर्ड आ चुका है एंड उन्होंने सोचा हमारे पर बनाना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बार आई मीन आई एम जस्ट 31-32 एंड ये सारे लोग 26-25 साल के एंड हमारे लाइफ के तो इससे बड़ी बात क्या है। तो हमने वो नहीं सोचा कि कौन प्ले करेगा, क्या होगा, किस लेवल पे होगा। वी आर जस्ट हैप्पी कि इतनी यंग एज में हम इंडिया के बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर कर पाएंगे इस स्टोरी के थ्रू। तो हमारा मेन मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है, बाकी कैसे होगी क्या होगी वो आपको सर बताएंगे। आई थिंक एज वी हैव बीन मेंशनिंग इज दैट इट्स टू अर्ली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट फैक्ट ऑफ द लाइफ इज दैट I'm slightly taking the question in a slightly different way. I mean, like majority of us in our country, like if somebody asks a parent or any middle class family when they aspire that uska ladka aur ladki kya hona chahiye, I think hum log ka salaried middle class family, hum log koi doctor banna chahta hai, koi teacher banna chahta hai, koi school mein padhna chahta hai, those are the aspirations which happen in a normal middle class, humko ek naukri milna chahiye jisme hamara ek zindagi jiye ga. Now, when I see these boys, and I mean, I have also dealt with this age at some point of time. What I feel that probably we are never courageous in our career, in our age, Shailendra, we are never courageous. They have seen, they have dreamed that what they can dream, what they can hope, and that is the most important thing. What Shailendra said that, इन्होंने जो करके दिखाया already ये उम्र में, that. Every Indian or every human being should dream, and वो dream को true करने के लिए वो hope correct करने के लिए जो मेहनत करना पड़ेगा और जो सच होता है वो जो करके दिखा है, उसके बाद हम लोग का जो journey होगा, शैलेंद्र और मेरा बात जो journey होगा, those are much small, that कौन act करेगा, कौन ले आएगा, इतना strong story है तो उसका ऊपर तो बाकी तो हम लोग को मेहनत करके लेके आना पड़ेगा, but that तो हमको करना पड़ेगा। Now it is already said, I mean they have done that job, I mean for the next few generations of people, yeah. Or few generation of kids,
they will be courageous to dream at their age, which we have not probably done. At our age, we have not done. We have taken a safe route in our life. So that's the most important thing. So whether ABCD 2 mein kuch dikha hai, nahi dikha hai, it's a fictional story. Now, if he's saying that he's 30 years old and most of the kids are 25, 26 years old, they have to live another 20 years of their life or 30 years of their life or 40 years of their life of the successful life in terms of the choreography, in terms of their action and etc. So, aur kitna story banenge, kitna story aage jayenge, to aur bahut dur ka baat hai, honestly. Next question. So, I think I'll just slightly go back into the same example when Shailendra said that in our country itself, we have seen 3 films on cricket. We have seen Lagan also, we have seen Dhoni also, we'll see 83 also, right? So, dance ka upar bhi film aisa nahi hai that last 5 saal mein Varun and everybody has done a brilliant job in ABCD 1, ABCD 2, and now Street Dancer will also happen and etc. But as correctly Suresh mentioned that, this is a biopic, this is not a fictional story. So of course, if it is on dance, there will be a lot of similarities because they were not going to sing, they are going to dance in that film. It will be still on that, it's not on any other work of art. But at the same point of time, jo true story, hota hai, jo biopic, hota hai, it is not only, we are not making a film for showing dance, we are making a film to show the human story. That what is the human story of this 14 young boys along with Suresh, that how they felt they can win something in life. But will there be similarity? The moments of similarities will be there because all of us struggle through the same human journey at the end of the day. Anybody ask any more questions, they'll have to dance with them, huh? Let's get creative with our questions. मैंने पहले भी कह दिया कि मेरे लिए यही बड़ी बात है कि रिलायंस एंड इन्होंने ये सोचा हम पर पिक्चर बनाना एंड वो भी बायोपिक. एंड जैसे आप बोल रहे हो कि एबीसीडी 2 थी ऑलरेडी एंड वापस आ रही है दूसरी मूवी, बट ये मोस्टली ये स्टोरी बेस्ड है. उसमें वो डांस के ऊपर था एंड यहाँ पे डांस के साथ साथ हमारे बैकग्राउंड लाइफ स्टोरी को दिखाया जा रहा है कि हमने शुरू कैसे किया, कैसे हुआ, कितनी डिफ़िकल्टीज थी, वो सारी सिचुएशंस ज़्यादा आएगी डांस के साथ साथ. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में. एंड रही बात एक्टर की, तो मतलब ऐसा मेरा कोई पर्सनल चॉइस नहीं, आई नो कि ये कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जो भी होगा बहुत बड़ा ही होगा. तो अगर अभी ऑनेस्ट बोलूँ तो मैं करूँगा तो पिक्चर ही नहीं चलेगी. डोंट बी सो श्योर, यू हैव वन एवरी कॉन्टेस्ट. एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन फॉर शैलेंद्र. आप इन्हें इतनी चीजें लाइफ में करी, डांस भी किया था स्कूल कॉलेज में? नहीं नहीं. और अगर हम जिनको डांस नहीं आता है उनका डांस बहुत विचित्र होता है और वो 2 बजे रात के बाद ही बेटर होता है. Any more questions? Should we take pictures then? Yeah? All right. I think it's time for a quick picture and then I'd like to call Bitta sir as well. Bitta ji, please be ready.